कुछ घंटों तक ड्राइव करने के बाद प्रणव और उसका दोस्त रोहित एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए रुके। वो काफी सुनसान सी जगह थी और रात के कुछ 7 ही बज रहे थे। वहां पर कोई गाड़ी या लोग नहीं थे। पेट्रोल पंप में बस एक ही आदमी था जो पेट्रोल भरने और गाड़ी का हवा चेक करने का काम करता था। पेट्रोल पंप के ठीक पीछे ही एक छोटी सी दुकान थी। यहां पर छोटी मोटी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, मैगजीन और सिगरेट मिलते थे। गाड़ी रुकते ही रोहित गाड़ी से बाहर निकला और बोला, मैं कुछ लेके आता हूं, तुझे कुछ चाहिए? सिगरेट लिया ना, 2 पैकेट। रोहित और प्रणव की दोस्ती 12 साल पुरानी थी। कॉलेज के टाइम से ही दोनों दोस्त थे। वो अक्सर 2-3 दिन की छुट्टियों में शहर से बाहर घूमने चले जाया करते थे। इस बार उन दोनों ने जो जगह चुनी थी वो शहर से 12 घंटे दूर थी और वो भी इतने सुनसान में। जैसे ही रोहित उस दुकान के अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी बदबू आई। उसने चारों ओर देखा और उसे दुकान में कोई भी नहीं दिखा। पूरे दुकान का चक्कर लगाने के बाद उसने कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी के बोतल और कुछ बिस्किट उठा लिए। रोहित ने अपना सामान दुकान के काउंटर पर पटक दिया और किसी कैशियर को ढूंढने लगा। ये उनका दूसरा स्टॉप था और शहर से दूर आते आते सारी जगहें और ज्यादा सुनसान होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के आखिरी गांव या जगह की तरफ बढ़ रहे हो। इस जगह आकर भी कुछ वैसा ही लग रहा था। उसकी बाहर नजर गई तो गाड़ी में पेट्रोल भर चुका था। प्रणव गाड़ी में बैठे बैठे भूख से थोड़ा परेशान हो रहा था। सर, कैशियर की इस अचानक आवाज ने रोहित को थोड़ा डरा दिया। ये वही पेट्रोल भरने वाला आदमी था। रोहित सोचने लगा कि वो आदमी अंदर आया कैसे, वो तो दरवाजे के पास ही खड़ा था। पीछे का कोई दरवाजा होगा सोचकर वो काउंटर के पास गया। भैया, इनका बिल कर दो और 2 पैकेट सिगरेट भी दे दो। सिगरेट निकालकर वो कैशियर एक एक करके बिल करने लगा। बिल करते वक्त वो आदमी रोहित को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने पहली बार किसी आदमी को देखा हो। 1255 रुपए। पैसे देकर जैसे ही रोहित निकलने लगा उस आदमी ने कहा, ध्यान से जाना। हाँ बिल्कुल। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग उस तरफ जा रहे हो ना? हाँ सही कहा आपने। साल के इस टाइम पर काफी लोग आते हैं, पर क्या, हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बस ध्यान रखना और किसी को लिफ्ट मत देना। कुछ भी हो जाए किसी भी अजनबी को गाड़ी में मत बिठाना। तुम्हें लगेगा चलो लिफ्ट दे देता हूं, पर ये वो लोग नहीं जो तुम सोच रहे होंगे। ये कुछ अलग ही लोग हैं, बल्कि शायद लोग भी नहीं है। जैसे ही रोहित गाड़ी में वापस आया तो उसने देखा कि प्रणव दुकान के सामने रखे हुए डस्टबिन के बगल में ही उस दीवार पर पेशाब कर रहा था। वो भागते हुए वापस गाड़ी में घुसा, तुरंत दरवाजा बंद किया और रोहित को बोला, अरे जल्दी भगा। क्या पागल हो गया है क्या साले, क्या करके आए हैं? वो दुकान का कैशियर उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था और जोर से हाथ हिला रहा था। वो काफी गुस्से में था और चिल्ला रहा था, साले लंबू ने मुझे उसकी दुकान के बाहर मुड़ते हुए देख लिया। तो अंदर जाकर बाथरूम नहीं यूज कर सकता था क्या, गधा कहीं का। वो 1-2 घंटे और ड्राइव करते रहे मगर रोहित
उस क्लर्क को भूल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। प्रणव ने पूछा, भाई तू ठीक है? हाँ हाँ। पता है जब वो मेरे पीछे भाग रहा था ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से उसे बचकर निकल पाया। वो जैसे मुझे पकड़ ही लेता। वो आदमी थोड़ा अजीब था, उसे हम लोगों की काफी चिंता हो रही थी। बोल रहा था किसी को भी लिफ्ट मत देना। आए आए क्या बात है, इतनी चिंता? अगले घंटे तक वो सीधा रोड पर बढ़ते गए। प्रणव बोला, यार भूख लगी है, रात के 1 बज रहे हैं और तूने बस 1 घंटे पहले ही तो खाया है। क्या यार, ये चिप्स बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक, ये कैसा खाना हो गया? ठीक है ठीक है, आगे अगर कोई खाने की जगह दिखेगी तो वहां गाड़ी रोक लूंगा। गाड़ी रोक लेगा? क्यों क्यों मतलब? अभी तो तूने बोला कि भूख लगी है। हाँ भूख लगी है, पर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी साइड में रोक लो। और तो तुम चाहते हो कि मैं गाड़ी साइड में रोक दूं? और फिर क्या, खाने के लिए डिनर कहाँ है? वो तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हो रोहित, इतना कुछ तो है गाड़ी में खाने को। रोहित को प्रणव की बातें बहुत अजीब लगी और उसे कुछ समझ नहीं आया। और जैसे ही उसने गुस्से से प्रणव की ओर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई और ऊपर से नीचे तक वो पूरा पसीने में तर हो गया। प्रणव का चेहरा बदल रहा था, उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई और उनमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। उसकी नाक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह बस एक लंबी लकीर थी। उसके कान गायब हो चुके थे और उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। प्रणव जोर जोर से हंस रहा था। रोहित गाड़ी रोक के दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, पर दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। उसे अब याद आ रहा था दुकान का वो कैशियर जो उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। अगली सुबह पुलिस को कार में बस रोहित के बाल और कुछ कपड़े के टुकड़े मिले। छानबीन करने पर पुलिस जब उस पेट्रोल पंप पर पहुंची तो प्रणव की और उस कैशियर की लाश उन्हें उस दुकान के बगल से मिली जहां प्रणव पेशाब कर रहा था। रोहित के साथ जो गाड़ी में घुसा था वो प्रणव नहीं था।